हमारे पास क्या है, रेडियो एक्टिव डिकेला है। इसमें रेडियो एक्टिव डिकेजुला है। इसमें क्या पढ़ना है कि आपके पास एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और अल्फा बीटा गामा इमिट करता है, डिसइंटीग्रेट हो रहा है। तो हमें ये पढ़ना है कि ये किस बेस पे डिसइंटीग्रेट हो रहा है, कौन सा लॉ फॉलो करता है, किस चीज़ पे डिपेंडेंट है और किस चीज़ पे इंडिपेंडेंट है। जैसे हमने कैपेसिटर पढ़ा था, और कैपेसिटर के लिए हमने ये पढ़ा था कि कैपेसिटर चार्ज होता है डिस्चार्ज होता है, लेकिन किस बेस पे हो रहा है। जैसे हमारे पास डिस्चार्जिंग है कैपेसिटर के लिए, तो इसके लिए एक पर्टिकुलर फार्मूला था हमारे पास कि इस बेस पे ये चार्जिंग हो रहा है, डिस्चार्जिंग हो रहा है। चार्जिंग के लिए अपना फार्मूला है। तो जो डिसइंटीग्रेशन है रेडियोएक्टिव एलिमेंट अल्फा बीटा गामा इमिट करता है, वो किस लॉ को फॉलो करता है और किस चीज़ पे इंडिपेंडेंट, तो ये पढ़ना है। जो रेडियोएक्टिव डिके लॉ है हमारे पास, हमें क्या पढ़ना है, यह हमें बताता है अबाउट रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। हम यहाँ से ये भी पढ़ लेंगे कि जो डिसइंटीग्रेशन है या एक इवापोरेशन है, जो इमेट करता है, इमेशन हो रहा है, सही है, अल्फा बीटा गामा, ये कब रेट भी, ये कब फास्ट होगा और कब स्लो होगा, और ये जो डिसइंटीग्रेशन है ये कौन सा लॉ फॉलो करता है, सही है, और ये जो डिसइंटीग्रेशन है ये किस चीज़ पे डिपेंडेंट है और किस चीज़ पे इंडिपेंडेंट है। तो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन में बताता है कि ये किस चीज़ पे डिपेंडेंट है, सही है। हम इसको समझाने के लिए थोड़ा सा एग्जाम्पल लेते हैं। ये सिंपल डेरिवेशन है। फॉर एग्जाम्पल इस रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन को समझाना है कि हमारे पास लेट सपोज एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसको मैं नाम देता हूँ ए, और इसमें जो नंबर ऑफ एटम है लेट सपोज वो 600 है। दूसरा हमारे पास बी एलिमेंट है, इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट है, नंबर ऑफ एटम्स जो है वो लेट सपोज 2000 है, इसमें 6 एटम्स है और ये एटम्स है। लेट सपोज दोनों का जो हाफ लाइफ है, लेट सपोज दोनों का जो हाफ लाइफ है वो 10 सेकेंड है, हाफ लाइफ दोनों का सेम है, हाँ इसको हम सेम रखते हैं, सही है। इसका ये मतलब है कि आफ्टर 10 सेकेंड ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट ए है ये रिड्यूस हो जाएगा हाफ, आफ्टर हाफ लाइफ 10 सेकेंड ये रह जाएगा, कितना रह जाएगा, ये रह जाएगा n/2, मीन 3000 एटम्स, और ये हमारे पास रह जाएगा, ये कितना रह जाएगा, अगर ये हाफ लाइफ, इतने हाफ लाइफ में हाफ डिके हो गया, तो ये हमारे पास रह गया कि ये हो जाएगा n/2 और ये हो जाएगा 1000 एटम्स, ये हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे जो डिसइंटीग्रेशन है ये डिसइंटीग्रेट कितना हुआ है, 3000 डिसइंटीग्रेट हो गया और इतना रह गया, तो ये 3000 एटम डिसइंटीग्रेट हो गया, कितने में, लेट सपोज ये हमारे पास क्या है, 10 सेकेंड है, सही, 10 सेकेंड में, ये 10 सेकेंड में 3000 एटम डिसइंटीग्रेट हो गया, ये डिसइंटीग्रेट हो गया और ये एटम हमारे पास रह गया। इस तरह यहाँ पे जो डिसइंटीग्रेट हो गया, कितना डिसइंटीग्रेट हो गया हमारे पास, यहाँ पे हो गया 1000 एटम्स पर 10 सेकेंड, लेट्स सपोज इसका ये हाफ लाइफ है, सही, इतना एटम्स डिसइंटीग्रेट हो गया और इतना एटम हमारे पास रह गया। अब इसको देख ले, हमारे पास क्या है, 3000 एटम डीके हो गया, लेट्स सपोज हमारे पास जो डीके हो गया, लेट्स सपोज हम इसको इस तरह लिखते हैं कि रेट ऑफ डीके डेल एन ओवर डेल टी, रेट ऑफ डीके हम इसको इस तरह लिखते हैं, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, डिसइंटीग्रेट देख ले टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो ये हमारे पास कितना हो रहा है, ये 300 है और टाइम हमारे पास 10 सेकेंड है। तो हमारे पास जो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन है, यहाँ हमें 10 सेकेंड में 3000 हो रहा है और यहाँ हमें 3 सेकेंड में 10 सेकेंड में 1000 हो रहा है,
तो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ए का ज़्यादा हो गया या बी का ज़्यादा हो गया। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि सो जो रेट ऑफ डिस इंटीग्रेशन है मीन डेल एन ओवर डेल टी है रेट ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी ज़्यादा है। दो दोनों का टाइम सेम है, दोनों का हाफ लाइफ सेम है, लेकिन यहाँ पे डीके ज़्यादा है, यहाँ पे डीके कम है। हम ये कहते हैं कि यहाँ पे डीके फास्ट हो रहा है, यहाँ पे डीके स्लो हो रहा है। अगर हम नंबर ऑफ एटम के बेस पे बोले कि यहाँ पे 3000 डीके हो रहा है और यहाँ पे 1000 डीके हो रहा है, तो हम किस तरह लिख सकते हैं? तो इससे हम ये लिख सकते हैं कि जो रेट ऑफ एटम डिसइंटीग्रेट हो रहा है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट। ऐसा मतलब है, इसका डिफिनीशन है ये रेडियो डीके ला का जो डिफिनीशन हो गया ये, कि द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट। मीन ये नंबर ऑफ एटम इनिशियल एटम पे डिपेंड करते हैं, यहाँ पे डिपेंड करते हैं, इस पे इंडिपेंडेंट है। तो हमारे पास क्या है कि रेट ऑफ एटम डिसइंटीग्रेट ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट। तो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन जो हमारे पास है ये डेल एन और डेल टी है, और इनिशियल एटम नंबर ऑफ एटम क्या हमारे पास, लेट सपोज हम इसको नाम देते हैं एन नाट, सही, इसको हम नाम देते हैं एन नाट। ये लेट सपोज हमारे पास एन नाट है, ये एन नाट है इनिशियल एटम है, तो ये इनिशियल है और ये रेट ऑफ डिसइंटीग्रेट हो गया, जो डिसइंटीग्रेट हुआ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन। और फिर हमारे पास क्या है, फिर हमारे पास है डेल एन ओवर डेल टी, इसको हम कांस्टेंट पे रिप्लेस करते हैं और इस कांस्टेंट को हम कहते हैं लेमडा, और इसके साथ पुट करते हैं एन नाट, सही है। तो या हम इस तरह इसको लिखते हैं कि डेल एन ओवर डेल टी इज इक्वल टू माइनस लेमडा एन टू एन नाट। या माइनस साइन क्या शो करता है कि ये इनिशियल एटम जो है ये टाइम के साथ क्या होगा, डिक्रीज होगा, डिसइंटीग्रेट होगा, तो ये डिक्रीज होगा। तो ये क्या शो करता है, डिक्रीज इन द नंबर ऑफ एटम्स डिक्रीज हो रहा है। जब डिसइंटीग्रेट होगा तो जो एक्चुअल एटम प्रेजेंट है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो ये हमारे पास डिक्रीज है। तो हमें लेमडा चाहिए, लेमडा कहाँ से निकालना है, हमें लेमडा चाहिए। अगर हम लेमडा को निकालें, वेयर हमारे पास रिलेशन क्या हो गया, तो हमारे पास ये रिलेशन हो गया डेल एन ओवर डेल टी इज इक्वल टू माइनस लेमडा एन टू एन नाट, ऐसा कर ले इक्वेशन वन। लेमडा हमारे पास क्या है, इसको हम कहते हैं डी के, डी के कांस्टेंट, या कभी कभी ऐसा हम कहते हैं डिस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये आपको ये, और ये जो डी के कांस्टेंट है ये कांस्टेंट है और ये इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर लाइक टेम्परेचर एंड प्रेशर। मीन प्रेशर से ये जो डीके कांस्टेंट है या डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट है ये इफेक्ट नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमें लेमडा चाहिए। अगर हम यहाँ से लेमडा निकालें, यहाँ से हम लेमडा निकालें, सो लेमडा विल बी इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा माइनस डेल एन ओवर डेल टी, और ये हमारे पास मिलेगा डिवाइडेड बाई ये एन हो जाएगा। हम इसको लिखते हैं लेमडा विल बी इज इक्वल टू 1 बाई एन नाट एंड डेल एन ओवर डेल टी,
इसको कर ले इक्वेशन टू। यहाँ से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि इफ़ डीके कांस्टेंट किसी रेडिएटिव एलिमेंट का डीके कांस्टेंट ज़्यादा है, सही है, ज़्यादा है मीन लार्ज है, तो फिर क्या होगा, तो हम कहते हैं कि इसका जो डिसइंटीग्रेशन होगा फास्ट डिसइंटीग्रेशन होगा, तो इसका डिसइंटीग्रेशन फास्ट होगा, क्विक होगा। लेकिन अगर किसी का लेमडा कम है, डीके कांस्टेंट कम है, स्मॉल है, तो हम कहते हैं इसका जो डिसइंटीग्रेशन है वो हमारे पास क्या होगा, स्लो डिसइंटीग्रेशन होगा, एटम स्लोली डिसइंटीग्रेट होगा, हम कहते हैं इवापोरेट होगा। अगर हम इक्वेशन टू को सॉल्व कर ले, अगर हम इक्वेशन टू को सॉल्व कर ले, सॉल्विंग इक्वेशन टू, तो हमारे पास फार्मूला मिलेगा, क्या फार्मूला, एन विल बी इज इक्वल टू एन नाट ई की पावर माइनस लेमडा एन टू टी, तो ये हमारे पास रिलेशन मिल जाएगा, सही है। ये हमारे पास क्या है, ये नंबर ऑफ एटम है, नंबर ऑफ एटम रिमेनिंग, और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है इनिशियल एटम्स है, और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ डिसइंटीग्रेशन, या इसको हम कहते हैं रेडियो एक्टिव डीके लॉ। इसका मतलब है जो रेडिक्टिविटी है, इवापोरेट हो रहा है, एटम डिसइंटीग्रेट हो रहा है, वो एक्सपोनेंशियली हो रहा है, स्लोली होता है, एक्सपोनेंशियली प्रोसेस है, एक्सपोनेंशियली फिनामिना है, जैसा कैपेसिटर का है, तो ये एक्सपोनेंशियल फिनामिना है। फिर हमारे पास क्या है, यहाँ से हम रिलेट करते हैं, किस को रिलेट करते हैं, अब इस फार्मूले से हम रिलेट करते हैं रिलेशन बिटवीन टी मीन हाफ लाइफ एंड रेडिएटिव डीके, इसके दरमियान हम रिलेशन ड्रा करते हैं कि इसके दरमियान क्या रिलेशन है। हमें पता है कि जो हाफ लाइफ है, हाफ लाइफ ये बराबर है टी बाई टू के, हाफ लाइफ टी बाई टू, अगर हम ले ले हाफ लाइफ, लेट्स सपोज हमारे पास टाइम टी है, सही, लेट्स सपोज हमारे पास टाइम टी है एंड जो नंबर ऑफ एटम है वो एन है, सो आफ्टर हाफ लाइफ हाफ टाइम ये कितना डीके हो जाएगा, ये डीके हो जाएगा एन विल बी इज इक्वल टू एन बाई टू मीन ये हाफ लाइफ है, तो ये एन बाई टू डीके हो जाएगा। इन दो वैल्यू को आप पुट कर ले इक्वेशन, इस इक्वेशन थ्री में, इक्वेशन थ्री में पुट कर ले, जब इक्वेशन थ्री में पुट कर ले, एन की जगह क्या पुट कर ले, एन की जगह पुट कर ले एन बाई टू, और ये मिलेगा एन नाट, और ये मिलेगा माइनस लेमडा, और ये हमारे पास मिलेगा टी की जगह हमारे पास क्या है, टी की जगह हमारे पास है टी बाई टू, तो ये हमारे पास मिलेगा टी बाई टू, तो ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, सही है। तो यहाँ से हमारे पास मिलेगा, इसको अगर हम सॉल्व कर ले तो हमारे पास मिलेगा वन बाई टू, ये मिलेगा इंटू ई की पावर माइनस लेमडा टी बाई टू, ये मिलेगा, ये हमारे पास मिलेगा यहाँ से टू विल बी इज इक्वल टू ई की पावर लेमडा टी बाई टू, ये मिलेगा, दोनों साइड का लाग ले ले, दोनों साइड का लाग ले ले, तो ये मिलेगा ई लेमडा टी बाई टू विल बी इज इक्वल टू लाग ऑफ टू, तो ये हमारे पास मिलेगा, इस पर फार्मूला अप्लाई कर ले, तो लाग का फार्मूला इस पर अप्लाई कर ले, तो ये लाग का फार्मूला का ये मतलब है कि इसको नीचे उतार दे यहाँ पे, तो ये मिलेगा लेमडा टी डिवाइड बाई टू, ये मिलेगा, और ये मिलेगा लाग ऑफ, ये मिलेगा इंटू ई, इसको
निकाल दिया, और ये मिलेगा लॉग ऑफ टू जो बराबर है, वो बराबर है 0.693 इसके बराबर है। तो ये लॉग और लॉग ये ख़त्म हो जाएगा, तो ये हमारे पास मिलेगा लेमडा टी डिवाइड बाई टू, ये मिलेगा 0.693। तो ये हमारे पास मिलेगा हाफ लाइफ विल बी इज़ इक्वल टू, हाफ लाइफ विल बी इज़ इक्वल टू 0.693 इंटू लेमडा। तो ये रिलेशन है बिटवीन, ये हाफ लाइफ है, ये रिलेशन है बिटवीन हाफ लाइफ और ये हमारे पास क्या है, डीके कांस्टेंट है, रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ एंड डीके कांस्टेंट। यहाँ से हमें क्या पता चलता है, सो हम ये लिखते कि हाफ लाइफ हमारे पास जो है टी बाई टू जो हाफ लाइफ है ये 0.693 इंटू लेमडा। तो हम लिखते कि सो डीके डीके कांस्टेंट लेमडा इज रिसिप्रोकल हाफ हाफ लाइफ, हाफ लाइफ का रिसिप्रोकल है। क्या मतलब है, अगर एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट का डीके कांस्टेंट ज़्यादा है तो ये फास्ट डीके होगा, इसका मतलब ये फास्ट डीके होगा, और जब फास्ट डीके होगा ये ज़्यादा हो गया तो हाफ लाइफ क्या है इसका कम होगा, हाफ लाइफ इसका क्या होगा, हाफ लाइफ इसका स्मॉल होगा। लेकिन अगर इसका ये डीके कांस्टेंट कम है तो ये स्लो डीके होगा, तो हम कहते हैं हाफ लाइफ ऐसा क्या होगा, इसका लार्ज होगा, आपस में नोवसली है। फिर हमारे पास क्या है, यूनिट ऑफ डीके कांस्टेंट है, सी तो यूनिट ऑफ डीके कांस्टेंट जो है ये हमारे पास क्या है, इसका जो यूनिट है वो हमारे पास कोरी है, और वन कोरी जो है ये बराबर है 3.70 इंटू 10 की पावर 10 डे 10 की पावर 10 डीके, ये डीके पर सेकेंड, ये डीके है, मीन वन कोरी इतने के बराबर है, मीन इतना नंबर ऑफ एटम डीके पर सेकेंड, तो ये वन कोरी, अगर इतने एटम डीके हो जाए 1 सेकंड में तो ये वन कोरी के बराबर है, सही। तो ये इसका हमारे पास क्या है, यूनिट है।